सभी को जय हिंद। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला, बहुत ज्यादा स्पेशल कह सकते हो, क्योंकि जो हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, एनसीसी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लड़के लड़कियां हैं जो भी हैं उनको एनसीसी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका क्या फायदा होता है, क्या बेनिफिट होते हैं वो भी आपको बताने वाला है। इससे जो आपको क्या एग्जाम में छूट मिलती है, कौन कौन से ऐसे कुछ चीजें होती हैं, कितना परसेंट मिलती हैं, ऐसे जो बहुत से आपके डाउट होते हैं वो आज की इस वीडियो में बताने वाला है। तो स्पेशली जो बंदे हैं लड़के लड़कियां इस वीडियो से पूरा कंप्लीट देखें, अच्छे से मैं आपको इस चीजों के बारे में बताने की कोशिश करूंगा और आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कब से ये फॉर्म भरे जाते हैं, इसका क्या मैटर होता है वो आपको छोटे एग्जांपल के थ्रू बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है आपके लिए, तो बस इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और कोशिश करना अपने भाई के साथ भी शेयर करने की। चलो इस वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। तो सिंपली मेरे भाई जो आपको बता दूं, एनसीसी यार देखो जो अलग अलग पार्ट में होती है, ए बी सी तीन जो पार्टों में जो अलग अलग डिवाइडेड होती हैं, यदि आपके पास में ए सर्टिफिकेट है तो इसमें कुछ 5% 10% अच्छे अलग अलग इनमें डिवाइडेड होती है, और जब आपके जो 5% होती है ए में, उसके बाद में बी में जो आपके जो 10% आसपास होती हैं, और जो आपके सी में एग्जाम आप होता है, ऐसे कुछ अलग अलग जो डिपार्टमेंट के हिसाब से जो ये चीज़ें डिवाइड होती हैं अलग अलग, जैसे आपके दिल्ली पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, और भी इसमें जो वैकेंसियाँ हैं, और जैसे कि आर्मी में है, और जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट में अलग अलग छूटें होती है, डिसाइड पहले ही हो जाता है कि जो बंदे एनसीसी कर रखा है उनको 5% छूट मिलती है, या जो एनसीसी बी कर रखा है उनको 10% छूट मिलती है, वो अलग अलग डिसाइड होता है। और जैसे कि जो आर्मी में जो बहुत से बंदे जो एनसीसी करके आर्मी में भर्ती होते हैं बिना कोई एग्जाम दिए डायरेक्टली जो फिट हो जाते हैं, तो वो कैसे होते हैं मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। वो जैसे ही जो उनकी जो 9th होती है तभी वो एनसीसी लेते हैं, और जो आपकी 12वीं तक वो आपके एनसीसी सर्टिफिकेट भी उनको मिल जाता है। जैसे उनका सी सर्टिफिकेट मिलता है तब उनकी एज भी हो जाती है 17.5 से प्लस हो जाते हैं, और वो जो 17.5 होते ही वो आर्मी के जो भर्ती देख लेते हैं, और जैसे ही उनका फिजिकल फिट होता है, फिजिकल मेडिकल फिट होते ही डायरेक्ट उनका मेरिट बन जाता है, जो एनसीसी सर्टिफिकेट सी के आधार पर उनको मेरिट बनता है और सिलेक्शन ले लेते हैं। तो ये इनका बेसिक होता है जिनके द्वारा आपको इसमें भर्ती हो सकते हो। बाकी जो बंदे हैं स्पेशली जो लड़के लड़कियां हैं वो इसमें आप ध्यान दोगे तो आप आराम से इसमें भी आपको भर्ती होने का, एक सरकारी नौकरी पाने का और आर्मी में जाने का सपना भी पूरा हो सकता है यदि इन चीज़ों को फॉलो करते हो। देखो फर्स्ट में आपको जो जब 9th होती है तभी आप इस चीज़ को ध्यान में देना शुरू कर दो कि जो आपकी एनसीसी में जाना है, एनसीसी से ये चीज़ लेनी है, तो आपको आराम से ये चीज़ मिल जाएगी। बाकी जो बहुत से जो ऐसे लोग भी हैं जिनको फॉर्म भरते हैं 10-12 जो धक्के खाते हैं उनके बाद में नहीं मिलती है, ऐसे जो कोशिशें होती है, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूं कि आप जितना जल्दी हो सके 9th पढ़ रहे हो तभी आप ले लो, और यदि बाई चांस आपको नहीं मिल पाती है तो आप जो कोशिश करो आसपास में जो और जो सेंटर पे हैं और जो स्कूलों में पता करने की कोशिश करो कि वहाँ पे तो नहीं है, क्योंकि जो बहुत से बंदे होते हैं कि हमारे जो वहाँ पे जो एनसीसी का कोई ऐसे नहीं है, हमारे जो एरिया में कोई एनसीसी के कोई स्कूल नहीं है, तो ऐसे कोशिश करो यार आपने स्टेट से छोड़ के या अपने जो डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के दूसरे जो आसपास में जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जो ट्राई करो, कहीं ना कहीं तो ये एनसीसी के आपको मिल ही जाएंगे। तो ओके गाइज मैं आपको बताता हूँ एनसीसी होती कैसी है। सुनना, जब आपकी जो 9th क्लास जो आप एडमिशन लेते हो तभी अपने आसपास में या जो अपने स्कूल में पता कर देना कि एनसीसी आपके यहाँ पे है या नहीं है, क्योंकि वैसे बहुत से बंदे हैं जिनके जो जो स्कूल में या जो अपने जो डिस्ट्रिक्ट में या जो आसपास के जितने भी एरिया उनमें कवर करने की कोशिश करो कि एनसीसी किस स्कूल में है, उसी में जाके एडमिशन लो। 9th क्लास से जो एनसीसी के जो एडमिशन होना शुरू हो जाते हैं, तो 9th से आप ले जाओगे तो आपकी 12वीं जब तक होगी तब आराम से आपकी 17.5 भी एज हो जाएगी, और आराम से जो आप आर्मी की भर्ती भी देख सकते हो और आराम से उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा। बाई चांस आपके उसमें नहीं भी मिलती है तो आप चाहते हो कि जो 12वीं के बाद भी करें तो फर्स्ट ईयर से भी एनसीसी हो जाती है, तब भी आप एनसीसी का ले सकते हो ये, और आराम से जो आपकी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर जो आपकी ग्रेजुएट होगी तब तक आप ये सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे। तो ये आर्मी जो और भी डिपार्टमेंट है, जैसे जो फोर्सेज के बहुत से डिपार्टमेंट हैं जो आर्मी है, और भी जो जो आरपीएफ हैं, जो रेलवे के जितने भी जो एग्ज़ाम होते हैं इनमें भी जो जो लड़कियां हैं लड़के हैं उनको भी जो छूट मिलती है एनसीसी सी सर्टिफिकेट बी ए जो भी सर्टिफिकेट आपके, उससे जो और ज़्यादा बेनिफिट होता है किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे जो और भी जो रेलवे के हो गए या जो अपने दिल्ली पुलिस हो गए, राजस्थान पुलिस हो गई, या कोई और भी एमपी पुलिस है, यूपी पुलिस, जो भी जो पुलिसेज होती हैं इन सभी में आपको कहीं ना कहीं छूट मिलेगी और इससे बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा होगा। यदि आपके ये चीज़ें हैं आपकी और आपके डिस्ट्रिक्ट में है तो इसे पता करो और जो आप एडमिशन जरूर लो, जो आपके आने वाले टाइम में आपको अच्छे से जो इस चीज़ों को अच्छे से जो आपको मिल सके, इसका फायदा प्रॉफिट हो सके, और कहीं कहीं आप इस जो इस सपने को पूरा कर सको, क्योंकि बहुत से बंदे होते हैं आर्मी में जाना चाहते हैं, कुछ बोलते हैं कि हमें पुलिस में जाना है, पर इन चीज़ों को जाने का तरीका नहीं होता है, उनको बेनिफिट मिलने का तरीका नहीं होता है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बस इस चीज़ों को फॉलो करो, कहीं कहीं आप भी सेट हो जाओगे। आई होप कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई, पसंद वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अच्छे से अपने भाई के साथ शेयर कर देना। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, जय हिंद, वंदे मातरम।